फाइनल ईयर क्राफ्टर ने अनाउंस कर दिया BGMI अनबैन। भाई साहब और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल केशव गेमर। और आज की वीडियो में यार आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे क्योंकि फाइनली जिस महीने का इंतजार था ऑफिशियल क्राफ्टन की न्यूज आ चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि देखो क्राफ्टन की एक ऑफिशियल न्यूज अप्रैल में आएगी और गेम जून तक आने के चांस रहेंगे, तो इस महीने की अप्रैल की ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है जो कि आज की वीडियो में मैं आपको फुल वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, क्लियर करने जा रहा हूँ। सो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, वीडियो थोड़ी आज बड़ी हो सकती है पर वीडियो पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखना, पूरी क्राफ्टन की ऑफिशियल न्यूज दिखाऊंगा एंड वीडियो को पार्ट स्किप मत करना वरना आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। एंड इस वीडियो का 2000 लाइक, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली गुड न्यूज की बात करें तो MEIT ने रिकॉग्नाइज कर लिया है ऑनलाइन गेम्स एंड ऑनलाइन रियल मनी गेम्स के बीच में क्या डिफरेंस है एंड अलाउ कर दिया इंडस्ट्री को कि आप पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको साफ भाषा में बता देता हूं। जैसे बहुत सारी वेबसाइट होती है जो कि कहते हैं टीम बना लो, फैंटेसी ऐप जितनी भी होती है वो दिखाते हैं कि हम गेम खिलवा रहे हैं पर वो पीछे ही पीछे सट्टाबाजी करवा रहे हैं। तो जितनी भी इस टाइप की ऐप होंगी उन सारे को बैन तो कर रखा है इंडिया में, पर जितनी भी इस टाइप की सारी ऐप बैन कर दी जाएंगी उनकी एक अलग कंसिडरेशन होगी। भाई MEIT पहले इसे ऑनलाइन गेमिंग में कंसिडर करती थी पर अब इन्होंने एक गेमिंग लॉ बना दिया, गेमिंग रूल बना दिया जो कि पूरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इस सिंपल भाषा में मतलब BGMI के लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा क्योंकि अब यार पहले ऑनलाइन को गेमिंग को सट्टेबाजी में कंसिडर करती थी अपने BGMI या और भी कोई भी फ्री फायर हो गई या कोई भी गेम हो गए, तो अब उसे हटा देगा उस चीज से। तो ये पूरी काफी बेहतरीन चीज है एंड इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बन सकती है पर उस पर बहुत बढ़िया टाइम लगेगा, मैं आपको पूरा गेमिंग लॉ समझाऊंगा वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एंड अब क्राफ्टर की ऑफिशियल न्यूज पे बढ़ते हैं। तो गाइस जो ऑफिशियल न्यूज थी ना वो 19 तारीख को ही रिलीज हो गई थी। अब आप सोच रहे हो यार ये कैसे पॉसिबल है, तो जो क्राफ्टन के चेयरमैन थे ना उनसे इंटरव्यू लिया गया था 14 तारीख को एंड उसके बाद प्रेस में 19 तारीख को कई आर्टिकल्स रिलीज किए गए थे कोरिया मीडिया में। अब भाई इस आर्टिकल को ढूंढने के लिए मैंने इतने ज्यादा कोरियन लैंग्वेज में सर्च किया ना भाई, लिटरली 3-4 घंटे बिता दिए थे मैंने इस आर्टिकल को, प्रॉपर आर्टिकल को दिखाने में। तो भाई जैसे आप देख पा रहे हो इस आर्टिकल में भाई ऊपर की जो इंग्लिश में पहले लिख रहा था मेन सौदा तो मैं नहीं दिखा रहा, आप इसे पोज कर सकते हो पढ़ने के लिए, अगर आपको पढ़ना है तो इसे आप पोज करके पढ़ लेना। पर इसमें ऊपर उन्होंने यही बताया कि क्राफ्टन की जो पहले प्रॉफिट था वो दिन ब दिन घटता जा रहा है, तो उस पर उन्होंने मीडिया वालों ने सवाल किया ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं पर क्राफ्टन का जो प्रॉफिट है वो 1/3 कम हो चुका है, हर साल कम होता जा रहा है, तो उसको उन्होंने यही बताया कि भाई BGMI के बैन की वजह से हो रहा है। एंड अब आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूं लिटरली आप इसे देख के बहुत खुश हो जाओगे, उन्होंने डायरेक्ट बता दिया क्राफ्टन के चेयरमैन ने BGMI के बारे में। लिख रहा है कि क्राफ्टन इज आल्सो एमिंग फॉर अ रीबाउंड इन स्टैग्नेंट सेल्स बाय रिज्यूमिंग द सर्विस ऑफ PUBG मोबाइल व्हिच इज कॉल्ड इंडिया नेशनल गेम। PUBG मोबाइल वाज सर्विस इन इंडिया थ्रू Tencent अ चाइनीज कंपनी बट वाज विड्रॉन फ्रॉम द इंडियन मार्केट इन 2020 ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस सच एज बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इन्होंने सबसे पहले हाल्फ में यही बताया कि जो PUBG मोबाइल था इन्होंने सबसे पहले जब बनाया था तो ये इंडिया से मतलब बैन कर दिया गया था क्योंकि भाई इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट हो गए थे तो इस वजह से चाइना के साथ में, तो इसलिए उन्होंने बैन कर दिया था। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी देखो साफ साफ मेंशन कर रखा है, सिंस देन क्राफ्टन ने अपना खुद ही लिख रहा है कि डायरेक्टली एस्टैब्लिश्ड अ कॉरपोरेशन इन इंडिया एंड लॉन्च बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। एंड यहाँ पे लिख रहा है कि 100 मिलियन से भी ज़्यादा क्यूम्युलेटिव यूजर थे BGMI के एंड जुलाई उनका लास्ट ईयर में फिर से उन्होंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बैन कर दिया। मतलब यहाँ पे ऑफिशियल लिख रखा उन्होंने इस चीज के बारे में बता रखा है। और वहीं पर भी क्राफ्टन के चेयरमैन ने यही बताया कि जो इंडिया का मार्केट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है वो काफी अनसर्टेन है, काफी बड़ा है। पर अब मेन चीज अगर आप यहाँ पर पढ़ो, एज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्पोर्ट्स टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स आर एक्टिवली सपोर्टिंग वी विल बी एबल टू सर्विस BGMI अगेन इन फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर। मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर वो BGMI को वापस ला पाएंगे। अगर जिस भाई को समझ नहीं आ रहा कि फर्स्ट हाफ क्या है ईयर का, तो भाई बता दे तो जून में गेम को वो वापस ला पाएंगे। अब देखो आप लोगों के दिमाग में इस वक्त दो क्वेश्चन आ रहे होंगे, भाई देखो यार ये तो अप्रैल से जून कर दिया, तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि अप्रैल में ऑफिशियल न्यूज निकल के आएगी एंड जून में गेम आने के बहुत चांस हैं। क्राफ्टन के चेयरमैन अब खूब कह रहा है कि गेम जो है हम जून में ला पाएंगे फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, जून जुलाई जो बैठता है, मैं आपको बता रहा हूं जून जुलाई, जून में भी कंफर्म नहीं, जून जुलाई, ठीक है। एंड दूसरी चीज, ये आर्टिकल जब 19 तारीख को रिलीज कर दिया गया था तो अब तक इसे मेन मीडिया क्यों नहीं कवर कर रही,
रही थी, तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। जो लकी मैन है, आपको पता होगा, सबसे पहले उन्होंने ही इस न्यूज़ को ट्रांसलेट किया था, क्योंकि कोरिया में न्यूज़ थी तो किसी को इसके बारे में पता नहीं था। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, पर लकी मैन ने अपनी वीडियो में जिस हिसाब से बताया उसमें उन्होंने कोई भी आर्टिकल वगैरह नहीं दिखाया, तो बंदे मिसकंसेप्शन में थे। तो बंदे ये भी कमेंट कर रहे थे कि ये पबजी पीसी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर बीजीएम और पबजी मोबाइल का कोई भी मेंशन नहीं है। तो भाई फर्स्ट टाइम अभी के यूट्यूब पर मैंने ही इसे पूरा डिकोड किया है, अभी तक मेरे हिसाब से किसी ने नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत बंदों की वीडियो देखी, बाद में आपको देखने को मिल जाए। तो मैंने कोरियन मीडिया के आर्टिकल सारे डिकोड कर दिए हैं, तो इसमें आपको पता चल गया होगा। एंड अनदर आर्टिकल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें साफ साफ मेंशन है कि बीजीएमआई के बारे में ही बात की थी। देखो भाई, जो क्राफ्टन के चेयरमैन थे जेंग बियोंग यू, उन्होंने अपने आर्टिकल में जैसे देख पा रहे हो लिख रहा है कि भाई सस्पेंशन ऑफ डिलीवरी ऑफ पबजी एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर। तो इस आर्टिकल में ये देख पा रहे हो कि पबजी से रिलेटेड लिख रहा है, पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आर्टिकल है इसमें साफ साफ बीजीएमआई के ऊपर ये बात की गई है, ना कि पबजी, क्योंकि बस एक टर्म पबजी का स्लैंग यूज किया गया है, क्योंकि पबजी से ही बीजीएमआई फेमस है, इस बात में कोई भी दोहराई नहीं है। जैसा आप इसमें पढ़ सकते हो कि भाई बीजीएमआई सर्विस डिसरप्शन कास्ट अ डार्क क्लाउड ओवर क्राफ्टन, एक काल पढ़ पा रहे हो भाई, सम इन स्टॉक मार्केट हैव लोअर्ड क्राफ्टन अर्निंग फोरकास्ट, और क्राफ्टन की अर्निंग जो है वो स्टॉक मार्केट में भी काफी कम हो गई है। एंड यहाँ पर देख पा रहे हो मेजर पॉइंट, देयर वर टू सर्विस सस्पेंशन इन 2020 एंड लास्ट ईयर, एंड वी आर चेकिंग द कंटेंट ऑफ द सस्पेंशन कैंसिलेशन वंस एवरी मंथ। मतलब ये इन्होंने यही बताया कि भाई वो हर महीने अपनी इस चीज़ में टीम में जुड़े पड़े हैं इस काम को लेकर कि भाई किस वजह से भाई ये सस्पेंशन हुआ था। एंड उन्होंने फिर उसके बाद में यही बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ने, मतलब इंडियन एम्बेसी ने, कोरियन एम्बेसी ने उनकी काफ़ी मदद की, एंड वो बीजीएमआई को रेज्यूम कर देंगे सर्विस उनकी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, मतलब जून जुलाई के वक्त में। सो इससे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चल गई होगी कि भाई बीजीएमआई एम्बेसी रिलेटेड मतलब क्या सीन है, पूरी डिटेल पता चल गई होगी। एंड इस वीडियो से आई होप आपको सब डाउट क्लियर हो गए, नहीं क्लियर हुए तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो, मैं उसके ऊपर अगली वीडियो एक और बनाकर ला दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय।